हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है और साथ ही साथ मैं वेलकम करूंगा आपका क्लास 11 की मैथमेटिक्स में। जो हमारे पढ़ाने का तरीका होगा कि जैसे हम आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे डिटेल में, तो एनसीईआरटी 1.1 के लिए जितनी भी कॉन्सेप्ट ज़रूरी हैं वो हम पहले सीखेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। मैं चाहता तो एक साथ करा देता लेकिन वो ज़्यादा लोड पड़ जाता, तो मैंने सोचा जो एक्सरसाइज हम करेंगे उसके लिए जो ज़रूरी कॉन्सेप्ट है वो मैं बताऊं और उसके बाद एक्सरसाइज बताऊं, ठीक है। और हर चैप्टर की वन शॉट वीडियो भी आएगी, उसमें हम प्रीवियस के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो वीडियो को कर दो लाइक क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सेट, क्योंकि चैप्टर का नाम सेट्स है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सेट्स। सेट्स को हिंदी में बोला जाता है समुच्चय, समुच्चय, ठीक है। समुच्चय सेट्स क्या होता है? कहते हैं अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अलग अलग ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन हमारा सेट कहलाता है, ठीक है। देखो मेरे पास ये, मैंने शर्ट पहन रखी है, मेरे पास देखो दो शर्ट है, ठीक है, मेरे पास दो शर्ट है और एक एक पैंट है, ठीक है। तो दो शर्ट और एक पैंट का जो कलेक्शन हो गया वो मेरा सेट बन गया, ठीक है। मेरे पास दो बैट है और दो बॉल है, ठीक है। सो मेरे पास दो बैट है, दो बॉल है, ठीक है। इनको मैंने रखा, ये मेरा एक सेट देगा, ये मेरा एक सेट है, ठीक है। सेट क्या होता है? चीज़ों का कलेक्शन, ठीक है। जैसे आपने अपने सारे कपड़े अलमारी में रख दिए ना, तो अलमारी में जितने भी कपड़े हैं आपके वो क्या है? उनका जो कलेक्शन है वो आपका सेट है। सेट जो होता है ना वो बोला वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब उसका कोई अस्तित्व होगा, उसका कुछ एग्जिस्टेंस होगा। ऐसी चीज़ बोल ही नहीं सकता जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे मैं बोल दूँ एक सेट मैं बता रहा हूँ, एक हफ्ते में, थोड़ा हिंदी में भी लिख रहा हूँ, एक हफ्ते में, एक हफ्ते में 7 दिन, ठीक है। और एक मैं लिख दे रहा हूँ एक हफ्ते, एक हफ्ते में, एक हफ्ते में 12 दिन, ठीक है। हिंदी में लिखवा रहा हूँ क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, थोड़ा बहुत हिंदू तो चलते हैं, हिंदी तो चलता ही है। अब देखो ये एक हफ्ते में मैंने 7 दिन बोला, ये वेल डिफाइन है, ये वेल डिफाइन है ना। एक हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है ना, सैटरडे तक। तो ये मेरे 7 दिन हो गए, तो ये मेरा सेट होगा, ये वेल डिफाइन है प्रॉपर, ठीक है। डिस्टिंक्ट, संडे मंडे सारे डिस्टिंक्ट है, सबके सब अलग हैं और उनका कलेक्शन है। ये क्या है? एक हफ्ते में 12 दिन, इट इज़ पॉसिबल? क्या ये हो सकता है? नहीं, तो ये तो डिफाइन ही नहीं है, तो भैया ये सेट ही नहीं होगा। सो वेल डिफाइन और डिफाइन का मतलब समझ में आ गया ना आपको कि क्या चीज़ें वेल डिफाइन हो, क्या चीज़ें नहीं, ठीक है। तो इसे सेट बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है? सेट बोला जाता है। जैसे कि मैं लिख दूंगा नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम एन से प्रेजेंट करते हैं, तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 चलता रहेगा, ठीक है, चलता रहेगा। सेट्स के टाइप्स भी हैं, सेट्स आपका फाइनाइट सेट भी हो सकता है। फाइनाइट सेट किसे बोलोगे आप? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे, जिसको आप काउंट कर सकते हो। काउंट का मतलब इसमें 5 एलिमेंट हो, 10 एलिमेंट हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, जिसको हम गिन सकते हैं, बोल सकते हैं। अब ये मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोल दिया है, विच इज़ इनफाइनाइट, एक से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, ख़त्म ही नहीं होगा भाई, ठीक है। अगर मैं इसको डॉट डॉट करके छोड़ दे रहा हूँ तो ये कैसा सेट है? ये मेरा इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। और अगर मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूँ ए सेट के अंदर, देखो सेट के मेंबर्स को ना कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, तो ये मेरा, ये 5 एलिमेंट है, तो काउंटेबल है, काउंटेबल है, इट मीन्स ये क्या है? फाइनाइट सेट है। इट इज़ क्या? फाइनाइट सेट, ठीक है। तो ये फाइनाइट सेट होगा, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। देखो सेट को प्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोलो ना, जो भी हम सेट को प्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करेंगे। देखो जैसे एक मैंने कैपिटल एन लिखा, कैपिटल ए लिखा, तो जो प्रेजेंटेशन होगी सेट को लिखने का, जो सिंबल आप रखोगे पहले वाले लेटर का, वो जो लेटर होने चाहिए वो होने चाहिए कैपिटल लेटर्स में। ये नहीं आप स्मॉल लिख रहे हो,
इट इज़ नॉट, अगर आप ऐसे करके लिखोगे तो ये गलत माना जाएगा, ठीक है। आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। अब इसको बनाने के सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, वो हम सीखेंगे। लेकिन सेट के जितने भी मेंबर्स आप रखोगे उससे आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखोगे, ठीक है। इतनी चीज़ आई समझ में? ये छोटा मोटा चीज़ है, बहुत ही आसान चैप्टर है। इससे पहले मैंने सोचा कि चलो जो सबसे टफ चैप्टर माना जाता है, सबसे टफ चैप्टर माना जाता है रिलेशन एंड फंक्शन को, तो मैंने वो पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो वो चीज़ आपका टाइम लेगी, मैंने बोला एकदम झट से समझने में नहीं पाओगे, एक ही वीडियो को दो बार देखोगे समझ लोगे तभी कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि वो एकदम हट के चीज़ है। सो थोड़ा टाइम तो लगता है उसमें, रिलेशन एंड फंक्शन में। तो ये चीज़ आ गई समझ में? सेट्स क्या होता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन सेट कहलाता है। सेट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। सेट को सर, सेट हमारा वेल डिफाइन होता है। सेट को हम सर कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे। सेट के मैंने दो टाइप बता दिए, एक होता है फाइनाइट सेट, एक होता है इनफाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट भी है, ठीक है, एम्प्टी सेट जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं करता। जैसे अभी मैंने क्या बोला था, एक हफ्ते में 12 दिन होते हैं, तो ये कैसा सेट है? विच इज़ एम्प्टी सेट, डज नॉट बिलोंग्स, मतलब ये क्या है, इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो उसे मैं एम्प्टी सेट बोलूँगा, ठीक है। क्योंकि ये जो टाइप्स ऑफ सेट्स है ना, वो आपका एक्सरसाइज 1.2 में आएगा, तो उसे हम डिटेल में वहाँ सीखेंगे। 1.1 में जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम सीढ़ी बरी सीढ़ी चलें। एक ही साथ इतना चढ़ जाएंगे, पैर इतना फैला देंगे तो दबास करके मुँह के बल गिरेंगे, है ना। तो मैंने सोचा है छोटे छोटे कदम रखते हैं और फिर चलते हैं, इससे थकान भी कम होगी हमारी, मेहनत भी कम होगी और चीज़ों को हम जल्दी जल्दी समझ जाएंगे। अब हम बात करेंगे सबसेट। सेट में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत। अगर मैं सेट के टॉपिक पे ही वीडियो बनाऊँ ना, सिर्फ चीज़ों को समझाऊँ, तो ये वीडियो 3 से 4 घंटे की बन सकती है। हाँ, तो मैंने सोचा वो फिर वेस्ट ही हो जाएगा, वो फ़ायदेमंद नहीं है। तो जो चीज़ें चाहिए उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। अब सबसेट की मैं बात करूँ, सबसेट को ना देखो, यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ बाई एग्जाम्पल। कह रहे हैं इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स गिवन इन अ सच अ वे दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन द सेट बी, देन ए इज द सबसेट बी एंड इट इज रिटन एज दिस। देखो मैं आपको बाई एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपके पास दो सेट हैं, एक सेट है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 और एक सेट है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो आप ए को बी का सबसेट क्या बोल, सबसेट का जो सिंबल है ना ये है, ठीक है, ये है। देखो जब सारा मेंबर बिलोंग कर, देखो ये सबसेट का सिंबल हो गया। अगर ए बी का सबसेट है तो इस तरीके से लिखा जाएगा, रीड एज ए इज कंटेंड इन बी। देखो कंटेंट का मतलब क्या है, समझो अच्छे से। यहाँ देखिए, ये 1 इसके अंदर मौजूद है, ये 2 इसके अंदर मौजूद है, 3 इसके अंदर है, 4 इसके अंदर है, 5 इसके अंदर है, यानी कि यह पूरा का पूरा ए का एलिमेंट बी में मौजूद है मौजूद। तो इसे क्या बोला जाता है, ए सबसेट है बी का, ठीक है। प्रॉपर सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, ए सबसेट है बी का, यानी कि इस तरीके से लिखा था, ए सबसेट है बी का, ठीक है। सेट और एलिमेंट्स में डिफरेंट है, डिफरेंस है सेट और एलिमेंट में। सेट हमेशा इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। जब मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 कराऊंगा ना, तो इसी कॉन्सेप्ट पे ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से, जैसे यहाँ से 1, 2, एक सेट से आप कितने सबसेट बना सकते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ये इस एक्सरसाइज के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं अभी रुक के चल रहा हूँ, लेकिन हल्का फुल्का इंट्रो दे दे रहा हूँ, ताकि जब मैं आपको बाद में समझाऊँ तो आप फटाफट उन चीज़ों को कैच कर पाओ, ठीक है। तो ये एक, देखो ये सेट है ना 1, 2, 3, 4 ए, इसका मैं एक सबसेट बना सकता हूँ, ये इसके और ये एलिमेंट लेके मैंने और एक सबसेट बना दिया सी। अब ये जो सी है वो किसके अंदर बैठा है, ए के अंदर बैठा है, तो सी सबसेट हो जाएगा ए का, ठीक है। पर्टिकुलर ये जो 1 है ये एलिमेंट है, ये क्या है बेटा,
ये एलिमेंट है, और ये पूरा ये क्या है, ये सेट है। ठीक है, अगर मैं वन लिख रहा हूँ, वन बिलोंग्स टू ए, तो ये वन क्या है, एलिमेंट है, ये वन क्या है, एलिमेंट है। वन ए के अंदर बैठा है। देखो बिलोंग्स टू का मतलब क्या, देखो बिलोंग्स टू का सिंबल क्या होगा, अच्छी बात आ गई, बिलोंग्स टू को इस सिंबल से प्रेजेंट करते हैं, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू को इस सिंबल से। ठीक है, कोई चीज़ किसी के अंदर है ये वाला सिंबल लगाओगे, कोई चीज़ किसी के अंदर नहीं है तो ये वाला सिंबल लगाओगे। जैसे ये वन ए के अंदर था तो वन बिलोंग्स टू ए, अब मैं ऐसे लिख दूँ सेवन नॉट बिलोंग्स टू ए, सेवन है ए के अंदर नहीं है, तो मैं इस तरीके से लिखूँगा सेवन नॉट बिलोंग्स टू ए, वन है तो इसको तो इस तरीके से मैंने लिखा। ठीक है, बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट अभी आपके क्वेश्चन में आएगा तो मैंने उसको समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसेट इतना ही रहने देते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी हमें नहीं चाहिए होगा, सबसेट का अभी 1.2 जब हम स्टार्ट करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा बताऊंगा और इसको डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको, एकदम फुल डिटेल में, कि अगर आपके पास एक सेट दे रखा है तो उस सेट से आप कितने सबसेट बना सकते हैं या कितने सबसेट बनते हैं, ये सब हम 1.2 में सीखेंगे। ठीक है बच्चों, डिटेल में, क्योंकि अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है 1.1 में। एलिमेंट्स क्या होता है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया, जैसे मैंने एक सेट लिखा अभी 1, 2, 3। ठीक है, तो ये अभी ये पूरा पूरा का पूरा क्या है, सेट है, और ये सिर्फ वन है। ठीक है, वन बिलोंग्स टू ए, टू बिलोंग्स टू ए, थ्री बिलोंग्स टू ए, तो ये जो मेरा वन है, ये जो मेरा टू है, और ये जो मेरा थ्री है, ये मेरे क्या है, एलिमेंट्स हैं, ये मेरे क्या है, एलिमेंट्स। तो ये जो वन पर्टिकुलर एलिमेंट्स, टू पर्टिकुलर एलिमेंट्स, थ्री क्या है मेरा पर्टिकुलर एलिमेंट्स, किसका, सेट ए का। ठीक है, सेट ए का मेरा पर्टिकुलर ये क्या है, एलिमेंट्स है, दैट्स इट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को वैसे तो सिंबोली कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन लिखने के दो तरीके हैं, एक आपका है रोस्टर फॉर्म, ठीक है, एक आपका है सेट बिल्डर फॉर्म, और इन पे क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा आपके हाफ ईयरली एग्जाम में, इसकी फुल गारंटी मैं देता हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म से क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली में ज़रूर पूछे जाएंगे, ये फुल एंड फाइनल है, आपके फाइनल एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, कह रहे हैं देयर आर टू वेज बाई विच द सेट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड, टू वेज कौन कौन से हैं, एक तो है टेबुलर फॉर्म या जिसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म ज़्यादा बोला जाता है, टेबुलर फॉर्म उसका दूसरा नाम है, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। इस पे क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड एग्जाम, बोर्ड बोल रहा हूँ, बोर्ड बोलते बोलते हैबिट में आ चुका है, ये आपके हाफ ईयरली या फिर फाइनल एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, फुल गारंटी है। तो देखो एक्चुअली ये क्या लिखा है, आप इसके नोट्स बना सकते हो, हियर द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर एक्चुअली रिटन डाउन सेपरेटेड बाई कॉमा एंड इनक्लोज विद इन ब्रेसेस, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या है, कैसे बनाएंगे, आपको वर्ड्स में दे रखा होगा, ठीक है, सेट का जो फॉर्मेशन है वो वर्ड्स में दे रखा होगा, वर्ड्स से आपको नंबर में आना है, कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। जैसे ये एग्जाम्पल है, देखो ये पहला मेरा एग्जाम्पल है, ठीक है, इस सेट को वी से प्रेजेंट कर रहे हैं, द सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ वॉवल्स, तो सेट ऑफ वॉवल्स सेट को इन्होंने वी से प्रेजेंट किया है। ठीक है, वॉवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ये जितने भी वॉवल्स हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट के वॉवल्स जो भी हैं वो हमने रख दिए ए ई आई ओ यू, और इसको हमें कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देना है। तो ये जो मैंने प्रेजेंटेशन किया है ये सेट वर्ड्स के फॉर्म में लिखा था, ठीक है, उसको मैंने इसका मतलब प्रॉपर वे में कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया है, वॉवल्स, कह रहे द सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वॉवल्स क्या होते हैं, ये होते हैं, उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया मैंने। तो ये क्या फॉर्म बन गया, ये मेरा फॉर्म बन गया टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये वो रोस्टरिंग जैसे आप
कैरीमिनाटी रोस्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं है, रोस्टर फॉर्म है ये, टेबुलर फॉर्म है ये, क्लियर। दूसरा एग्जांपल देखो, अब इस सेट को ए से प्रेजेंट किया है, कैपिटल लेटर से ही प्रेजेंट करना है, मैंने बोला था द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जानते हैं ना, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे लेने हैं, तो 10 से छोटे क्या हो जाएंगे, क्या बोला, ऑड 1, 3, 5, 7, 9, बस इनको मैंने कर ली ब्रैकेट में बंद कर देना है, तो ये मेरा रोस्टर फॉर्म आ गया और ये मेरा सेट ए हो गया। फिर क्या बोला है, तीसरा वाला एन से प्रेजेंट करना है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोला है उसने, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से काउंट होता है, 1, 2, 3, 4, 5 चलता रहेगा, तो ये एन क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि ये रुकेगा नहीं, तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है, ये भी फाइनाइट सेट है, ठीक है। इसका टाइप भी पूछ सकता है कि ये कैसे सेट है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, क्या है। तो जो काउंटेबल हो वो फाइनाइट है, जो अनकाउंटेबल हो जिसमें डेड डेस्क करके छोड़ा जा रहा है वो हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। ईजी, आसान है एकदम, बहुत ही आसान चैप्टर है, एकदम बच्चों वाला चैप्टर है। नेक्स्ट, सेट बिल्डर फॉर्म और ऑफ रूल मेथड, दो नाम है इसके, तो ज़्यादा फेमस है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, आपको चीज़ों को ना क्या होगा, देखो ये जैसे ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर ये 1 है, एग्जांपल नंबर 2 ले लिया मैंने, आपको नंबर्स में दे रखा होगा, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर दे रखा होगा, आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है, वर्ड्स में उनको लिखना है, वो कैसे लिखना है, वर्ड्स में लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। कैसे, देखो जैसे ये एग्जांपल है, ये सेट मेरा एम है, ठीक है, क्या है यार, नंबर को ढंग से देखो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, अब जो भी चीज़ें आपको दे रखा हुआ ना उसको अच्छे से देखो, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो कि भाई ये क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, अगर आप ढंग से देखें तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। क्या नंबर है, प्राइम नंबर है, तो ये भैया प्राइम नंबर आ गया, तो प्राइम नंबर को कैसे फॉर्म में लिखना है, देखो ऐसे लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट डालोगे, यहाँ एक्स लिख सकते हो, एन लिख सकते हो, जो भी वर्ड्स आपको सुटेबल लगे, वाई लिख सकते हो, मैंने यहाँ एक्स लिख रखा है, ठीक है, एक्स सच दैट, ठीक है, ये जो मैंने लगाया ना रेशियो के टाइप में, इसे सच दैट बोला जाता है, एक्स, एक्स में एक्स इज अ प्राइम, पूरा दिख रहा है कि ये प्राइम है, इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 19 तक है, लेस देन 20, कि भैया ये सारे के सारे प्राइम नंबर है और 20 से छोटे हैं, तो मैंने वही लिखा है, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ये मेरा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, दूसरा मैंने जो ए लिया है सेट, ये क्या है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये नंबर्स हैं, नंबर्स कैसे हैं, 5 से बड़े हैं और 12 से छोटे हैं, है ना, 12 से छोटे हैं और 5 से बड़े हैं, और ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है ना, तो आप क्या लिखोगे कि भैया ये x से x में एक x में क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, जो x की वैल्यू है, कंडीशन क्या है इसमें कि जो x की वैल्यू वो 12 से छोटी है और 5 से बड़ी है, ये कंडीशन जो भी होगी वो कंडीशन को भी मेंशन करना है, कंडीशन को आप छोड़ नहीं सकते, कंडीशन को तो और ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ये आपका हो गया प्रॉपर। तो ये क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखो 1.1 एक्सरसाइज में जो चीज़ें हमें चाहिए उन्हीं को ही मैं सीमित रख रहा हूँ। मैंने पहले क्या सोचा था कि मैं सारे वीडियो, मतलब कॉन्सेप्ट वाले वीडियो एक ही बना देता हूँ, उससे क्या होगा ना, आप पूरे कॉन्सेप्ट को एक साथ जब देखोगे ना तो एक समझोगे, दूसरा समझोगे, तीसरा समझते तो वो भूल जाओगे, और इतना ज़्यादा एक साथ बता दिया जाएगा तो एक यहाँ से सुनोगे वहाँ से निकल जाएगा। तो मैंने सोचा मैं एक्सरसाइज वाइज चलूँगा, जिस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट मेरे को चाहिए होगा वो पहले आपको बताऊँगा, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करवाऊँगा। तो ये स्ट्रेटेजी ज़्यादा है, कम रहेगा,
कम कम करके खाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से हजम कर पाएंगे। एक बार में ज़्यादा खा लेंगे फिर पेट खराब हो जाएगा, है ना? तो इसी हिसाब से हम चलेंगे। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 को हम शुरू कर रहे हैं। मुझे आपके साथ और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपसे कोई वोट नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है, मंत्रियों की तरह। मैं आपसे बस आपका प्यार मांग रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं मुझे मेहनत करने में और मज़ा आए, आपको पढ़ाने में और मज़ा आए, ठीक है। बस यही चाहिए आपके साथ, आपका साथ चाहिए। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो इन ये जो पहला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर आपको तो जगह नहीं बच रही है, मैं मुंह से बोल दूंगा कि भैया ये चीज़ है, आप लिख लेना, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन का आंसर यही करना है। और इसमें यस या नो बताना है और रीज़न क्या होगा, रीज़न वर्ड्स में ही लिखना है। तो मैं आपको बता दूंगा वर्ड्स में, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं लिखने जाऊंगा तो वो टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि लिखते लिखते बहुत सारा टाइम लग जाता है, तो वैसा मैं नहीं चाहता लोगों की तरह लंबे लंबे वीडियो बनाना। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। सेट्स क्या होते हैं, अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, सेट्स कौन होते हैं, वेल डिफाइंड, जो चीज़ वेल डिफाइंड होगी उसका कलेक्शन हमारा सेट होता है, जो चीज़ वेल डिफाइंड नहीं होगी वो हमारा सेट नहीं होगा। तो हमें बस यही देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है और कौन सा स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं है, क्लियर। यही चीज़ हमें ज़्यादा ध्यान से देखना है। पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। पहले स्टेटमेंट में क्या है, पहले स्टेटमेंट बोला गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जी। देखो हमसे बोला गया है कलेक्शन ऑल मंथ्स, ऑल मंथ्स, ठीक है, जो स्टार्ट होते हैं जैसे। तो सबसे पहले क्या होता है, जनवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस। तो ये वेल डिफाइन है, महीना बोला है उसने 12 महीने होते हैं, 12 महीने में वो मंथ लेने हैं जो स्टार्टिंग करते हैं जैसे, तो जनवरी, जून, जुलाई, ठीक है, ये वेल डिफाइन है, सो इट इज़ अ सेट। आप क्या लिखोगे, सिंस इट इज़ वेल डिफाइन, प्रॉपर रीज़न भी दोगे, जनवरी, जून, जुलाई ये आते हैं, और फिर नीचे लिख दोगे सो इट इज़ अ सेट, क्लियर। ये चीज़ हो गई, पहली वाली हो गई। सेकंड वाले पे आ जाओगे, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो ये सेट नहीं है, आप सोचोगे सर आप कैसे बोल रहे सेट नहीं है, ये राइटर सबसे ज़्यादा फेमस है, ये फेमस है, ये फेमस है, बेटा वो फेमस टाइम पीरियड नहीं मेंशन किया उसने, टाइम पीरियड मेंशन किया नहीं किया है मेंशन उसने, उसने बोल दिया इंडिया के 10 टॉप राइटर्स के नाम बताओ। तो आज कोई है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, तो टैलेंटेड ये चीज़ फिक्स नहीं है। अब जो चीज़ फिक्स नहीं है, जो चीज़ वेल डिफाइन नहीं है, वो हमारा सेट कहाँ से हो जाएगा, इट इज़ नॉट अ सेट। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, ये सेट नहीं होगा। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट भी हमारा हो गया। थर्ड वाले पे आ जाओ, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, सेम चीज़ सेम कॉन्सेप्ट, बेस्ट क्रिकेटर वर्ल्ड टीम के। देखो जब सचिन तेंदुलकर नहीं थे उससे पहले विव रिचर्ड्स थे, है ना, और प्लेयर थे, ब्रायन लारा तो बाद में आए, विव रिचर्ड्स वगैरह ये सब थे, उसके बाद सचिन तेंदुलकर आए, ब्रायन लारा आए, रुकी पॉन्टिंग आए, आज विराट कोहली है, एबी डिविलियर्स है, कल कोई और होगा। तो बेस्ट बैट्समैन बताना वर्ल्ड के, इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड, क्योंकि आज कोई है कल कोई और होगा, ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड, हैंस इट इज़ नॉट अ सेट। तो पहला वाला सेट है हमारा, दूसरा वाला नहीं है, तीसरा वाला भी नहीं है। चौथे में आ जाओ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, आप जिस क्लास में पढ़ते हो उस क्लास के बॉयज़ का कलेक्शन, ये एक सेट है। क्यों, क्योंकि वो फिक्स है। अगर सोचो आपके क्लास में 10 लोग हैं जिनमें से 6 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं, 4 लड़कों के नाम आप तुरंत बता दोगे ना, रमेश, सुरेश, मोहेश, नितेश, जो भी नाम होगा उनका फटाक से बता दोगे, फाइनाइट है। अगर आपके क्लास में 4 बच्चे हैं तो वो पूरे साल 4 बच्चे ही रहेंगे,
ठीक है, बॉयज में तो वो फिक्स है, वो फाइनाइट है, वो वेल डिफाइंड है, यानी कि वो क्या होगा, एक सेट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। सेट है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर जो कि 100 से कम हो, तो वो क्या हो जाएंगे अगर मैं इसको ए से प्रेजेंट करूं सेट को, 1, 2, 3 कहाँ तक, 99 तक। हम एक से शुरू करेंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे, 99 तक। तो भैया ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, वेल डिफाइन है। ठीक है, वेल डिफाइन है तो ये भैया सेट है। ओके, तो मेरा ये वाला भी सेट हो गया। अगले में आ जाओ, 6 में, अ कलेक्शन ऑफ नॉवल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। भैया मैं जैसे मैं तारक हूँ, मेरा नाम तारक शाह है, मैं अगर कुछ किताबें लिख रहा हूँ तो फिक्स है ना, मेरे मर जाने के बाद क्या मैं दूसरी किताब लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। तो जितनी किताबें मैंने लिखी है वो तो लिख के ही रख दी ना, मेरे मर जाने के बाद वो किताब तो ख़त्म नहीं हो जाएगी ना, वो तो वैसे की वैसे ही रहेगी रहेगी ना। तो वो क्या है भैया, वेल डिफाइंड है। तो मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवल्स लिखे हैं वो वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। देखो, जिस चीज़ की एग्जिस्टेंस पॉसिबल है वो सेट है, जिस चीज़ की एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है वो सेट नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। सेट है ऑल इवन इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो ये सेट है लेकिन ये इनफाइनाइट सेट है। ऑल इवन इंटीजर्स क्या होंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स। देखो आपका इवन इंटीजर्स क्या है, 2, 4, 6, 8 इधर डॉट डॉट। अब इस क्वेश्चन में द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स बोला है, तो इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि भैया पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ऑड इवन इंटीजर है या नेगेटिव कोऑर्डिनेट। तो ये वेल डिफाइंड इवन इंटीजर्स बोला है ना, तो जितने भी इवन इंटीजर हम लिख सकते हैं, 2, 4, 6, 8 इधर आप लिख दो, आप कॉमा करके -2, -4, -6 है ना, इधर डॉट डॉट कर दो, तो ये वेल डिफाइन है। हालांकि ये इनफाइनाइट सेट है, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इनफाइनाइट फाइनाइट से कोई मतलब नहीं है। हमारा हमें जो फोकस करना है वो उसके एग्जिस्टेंस, उसके वेल डिफाइन पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये क्या है, वेल डिफाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। सेट है ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, जितने भी क्वेश्चन है आप गिन सकते हो, आपको पता है, आपके सामने है सारे के सारे क्वेश्चन, तो ये वेल डिफाइन है, वेल डिफाइन है, तो ये भैया क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। नॉट अ सेट, आप कहोगे सर शेर है, सांप है, ये है, वो है, लेकिन नहीं, ऐसे हजारों जीव जंतु है जो हमें पता ही नहीं है। हमारा ये दुनिया बहुत बड़ी है, हमारा जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा एरिया में है, हमें जो सिर्फ कुछ पता है उनको हम जानते हैं, जो हमने देखे नहीं है, इतने जीव जंतु हैं जिनके बारे में पता नहीं है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये जो स्टेटमेंट है वेल डिफाइंड नहीं है, और वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट नहीं है। ठीक है, ये रीज़न हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, कह रहे हैं लेट ए, मेरे पास ये सेट है जिसमें 1 से लेकर 6 एलिमेंट है, इनसेट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स दे रखे हैं वो सेट ए में बिलोंग्स करते हैं या नहीं करते हैं। बिलोंग्स करते हैं तो ये वाला सिंबल लगाना है, नहीं बिलोंग्स करते हैं तो ये वाला लगाना है। क्लियर? सो देखो 5 इसके अंदर बैठा है, जी बिल्कुल सर बिलोंग्स टू लगा दो। 8 इसके अंदर है, नहीं है सर नॉट बिलोंग्स टू लगाओ। 0 इसके अंदर है एलिमेंट, नहीं है सर कट लगा दो। 4 इसके अंदर है, बिल्कुल बिलोंग्स टू लगा दो। 2 इसके अंदर है, बिल्कुल है बिलोंग्स टू लगा दो। 10 इसके अंदर है, सर नहीं है नॉट बिलोंग्स टू लगा दो। इतना आसान था भैया, इससे आसान और क्या होता है। ये चीज़ तो मैं अगर छोटे 2 क्लास के बच्चे को समझाऊंगा ना वो भी कर देगा, आप तो 11th के बच्चे हो।
अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन आई राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये जितने भी सेट हमें दे रखे हैं इनकी रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अगर मेरे से पूछा जाए ना कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में तुम्हें कौन सा आसान लगता है, तो मुझे रोस्टर फॉर्म ज़्यादा आसान लगता है, मेरा पर्सनल, और शायद आपका भी हो जाएगा। तो एक एक करके करेंगे हम। वन कह रहे एक्स, एक्स इज एन इंटीजर, जो इंटीजर है वो 7 से छोटा है और -3 या 3 से बड़ा है। क्या बोला है कि ये भैया इंटीजर है, इंटीजर का रिस्ट्रिक्शन देखो क्या दे रखा है, या तो -3 है या -3 से बड़ा है या 7 से छोटा है। तो सेट ए मेरा क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में कर लिए ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो -3 है क्योंकि ये सिंबल है, इक्वलिटी का सिंबल है, -3, -3 से बड़ा -2, -1, 0, 1, 2, कहाँ तक, 7 से छोटा, 5, 6, 7 से छोटा बोला, बस यहीं तक रखना है। आ गया आंसर, एकदम आसान था, बस क्वेश्चन को, लाइन को अच्छे से पढ़ो और रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करो। क्या बोल रहे हैं, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर है 6 से छोटा है, ठीक है, नेचुरल नंबर बोला था 6 से छोटा है, लिख दिया हमने। फिर क्या बोल रहे हैं, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। आपको बोल रहे हैं कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, अगर दोनों डिजिट को जोड़ते हो तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, नेचुरल नंबर है लेकिन, ठीक है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर। सो वो नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर, पहला हो जाएगा 17, नंबर को जोड़ने पे 8 आना चाहिए, ठीक है, 17 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है, 2 और 6 8, फिर 8 आना चाहिए ना, हाँ 3 में आ जाओ 35 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है, 53 हो जाएगा और 62 हो जाएगा, ठीक, और क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा, ठीक है, 71 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 8 प्लस 0 8 होता है, और कुछ नहीं होगा, और कुछ होगा क्या, और कुछ नहीं होगा, बाकी तो सब ज़्यादा ही हो जाएंगे। तो ये वेल डिफाइन है, सेट तो पहले ही उसने बोल रखा है, तो ये इसका रोस्टर फॉर्म बन जाएगा, ठीक है, आराम से हो गया ये क्वेश्चन। आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आ रहा है, अगर आपको वाकई में कुछ सब कुछ आ रहा है समझ में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, है ना, तभी मज़ा आता है पढ़ाने में। फोर्थ क्या बोल रहे हैं, x इज अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवीज़र ऑफ 60, ठीक है, 60 के डिवीज़र है और वो प्राइम नंबर है, तो सोचो क्या होगा वो, ये क्या है, 2 एक प्राइम नंबर, 2 कट जाता है, 3 से 60 डिवाइड हो जाएगा, प्राइम नंबर ही लिखना है, ये ध्यान रखना, ठीक है, 3 से कट, 4 नहीं ले सकते, 5 से कट जाएगा, ठीक है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 से डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, और किससे डिवाइड होगा, 9 से नहीं होगा, ठीक है ना, 7 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, ठीक है, 17 से नहीं होगा, 19 से नहीं होगा, 21 से नहीं होगा, तो बाकी कोई नंबर ही नहीं है जिससे ये डिवाइड होता है, तो यही 3 नंबर है, ठीक है, x इज अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवीज़र ऑफ 60, 60 के डिवीज़र है, मतलब ये नंबर अगर डिवाइड करोगे 60 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है, तो वो नंबर क्या थे, 2, 3 और 5 थे, तो ये आपका आंसर आ गया। फिर क्या बोल रहे हैं, पांचवे में, ई में,
इन द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स यूज हुए हैं, क्वेश्चन में क्या बोला था, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री में कोई वर्ड रिपीट कर रहा है तो उस वर्ड्स को आप एक ही बार काउंट करोगे, दो बार नहीं लिखोगे, ठीक है। तो टी है, कॉमा आर है, आई है, जी है, ओ है, एन है, ओ फिर से आ गया तो नहीं लिखना है, एम है, ई है, टी फिर से आ गया तो नहीं लिखना है, आर फिर से आ गया तो नहीं लिखना है, वाई है, ठीक है। जो रिपीट करते हैं उसको नहीं लिखते हैं, एक ही बार लिखा जाता है। तो ये आपका आ गया ट्रिग्नोमेट्री का आंसर, ठीक है। अब सिक्स में आ जाओ, एफ द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बी आ जाएगा, ई आ जाएगा, टी आ जाएगा, फिर से ई आर नहीं लिखना है, फिर आर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका है, देखो भैया रोस्टर फॉर्म इतना इजी होता है, ये आपके एग्जाम में पक्का आएगा, और ये फ्री फंड के नंबर हैं, ये चैप्टर ही फ्री फंड का है, इतना इसमें कुछ है ही नहीं, एकदम आसान चैप्टर है, आप खुद ही देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। किस फॉर्म में बनाना है? सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। सो क्वेश्चन को सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ता है हमें, है ना। अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तभी चीज़ों को समझोगे, तभी आप बना पाओगे, ठीक है। सो देखो, कह रहे राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रोस्टर फॉर्म से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में सेट बिल्डर फॉर्म के पूछे जाते हैं, ये अंदर की खबर है, ठीक है। सॉल्यूशन फर्स्ट, सो देखिए ये क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करो, 3, 6, 9, 4, ठीक है। ये तीन का पहाड़ा है, 3 + 3, 3 + 12 तक है। सो आप ऐसे लिखोगे, सेट का नाम दे दो ए, ठीक है, एक्स इंटू एक्स, एक्स में क्या है यहाँ पर 3x है, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स, एक्स में कैसा रिलेशन है 3x है, वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। आप इतना लंबा चौड़ा अगर ना लिखना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, x इज अ नेचुरल नंबर अगर आप ना लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, सच दैट, ठीक है, सच दैट लिखना ना, अगर सच दैट आप नहीं लिखना चाहो तो भी इसका उपाय है, इसे ना लिखो, ये लिख दो कॉमा ऐसा, ठीक है। कैसा रिलेशन है कि ये जो x की वैल्यू है वो 4 या 4 से छोटी, 1 या 1 से बड़ी है ना। x नेचुरल नंबर से आ रहा है और x का वैल्यू 3 + 3, 3 × 6, 3 × 9, 3 × 12, ठीक है। x की वैल्यू 1 है या 1 से बड़ी है, 4 है या 4 से छोटी है, तो इस तरीके से लिखना है। तो ये मेरा बन गया सेट बिल्डर फॉर्म, ये मेरा क्या बन गया सेट बिल्डर फॉर्म, बड़ा ही आसान था, आया समझ में, एकदम आसान था। अब दूसरे वाले पे आ जाते हैं, पहला वाला हो गया, सेकंड वाले को बी मान लेते हैं। 2, 4, 6, देखो 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 8 होता है, 2 की पावर 4, 16 होता है, 2 की पावर 5, 32 होता है। सो आप देख रहे हैं 2 की पावर में जा रहा है ये, तो मैं क्या लिखूँगा, एक्स में एक ऐसा रिलेशन है, ये कैसा रिलेशन है, 2 की पावर x है, ठीक है। जहाँ x कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है, सच दैट कि जो x की वैल्यू है वो 5 या 5 से छोटी है, 1 या 1 से बड़ी है। 2 की पावर 1, 2, 2 की पावर 2, 4, 2 की पावर 3, 8, 2 की पावर 5, 4, 16, 2 की पावर 5, 32, है ना, हो गया। थर्ड सी मान लेते हैं इसको, क्या है, 5, 25, 125, 625, तो ये 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 ऐसे करके है 4 तक, ठीक है। एक्स में एक ऐसा रिलेशन है कि ये क्या है, 5 की पावर x है, जहाँ एक्स कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है, सच दैट जो x की वैल्यू है वो 5 या 5 से छोटी है,
एक है एक से बड़ी है, तो ये मेरा बन गया सेट बिल्ड फॉर्म तीसरे नंबर का। क्या आसान है ना, चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करो और फिर देखो आपको एकदम आसान बन जाएगा। ये क्या है देखो, 2, 4, 6, तो ये इवन नेचुरल नंबर है। ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर है डी। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, एक्स, सच दैट 2x लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। 2x वेयर x बिलोंग्स टू n, ठीक है। x नेचुरल नंबर से आ रहा है और x की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये जो x है वो डॉट डॉट छोड़ दे, इनफाइनाइट है, तो इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैंने आपको रिस्ट्रिक्शन क्या है, सिर्फ कि x नेचुरल नंबर से आ रहा है और ये कैसा क्या हो रहा है, ये इवन नेचुरल नंबर हो रहा है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसा चलता रहेगा, है ना। ओके, नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, पांचवे में। तो इसको मैं ई से प्रेजेंट कर रहा हूँ, सेट को 1 है, 4 है, 9 है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 100 को लिख सकता हूँ मैं 10 का स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना। तो ये फिक्स है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही 10 का स्क्वायर 100, ईजी। सो देखो इसको मैं कैसे लिखूँगा, एक्स, ठीक है, एक्स में ये फिक्स है 1 से लेकर 10 तक है, तो ये एक नेचुरल नंबर है, तो एक्स को मैक्स मान लेता हूँ, एक्स की पावर 2 है, ठीक है। कंडीशन क्या है, एक्स कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है, सच दैट जो एक्स की वैल्यू है वो 10 या 10 से छोटी है, 1 या 1 से बड़ी है, आंसर। सॉरी गाइस, हो गया। किसी भी पॉइंट पे कोई कुछ समझ में ना आए तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को वापस जाके पूरा देख लो, जब तक वो क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो आपको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे आराम से बन गए। अब इन क्वेश्चनों में आते हैं, ठीक है, इन क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, एलिमेंट्स बनाना है। अगर आप देखें तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, आपको रोस्टर फॉर्म बनाना है, इतना आसान है, ठीक है। तो पहले वाले पे आ जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो पहला वाला है ए, कह रहे हैं एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, एक्स जो है मेरा वो एक ऑड नेचुरल नंबर है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसा चलता रहेगा, ये मेरा आंसर रहेगा। सो ये कैसा सेट है बेटा, इनफाइनाइट सेट, ठीक हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं, एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है, एक्स एक इंटीजर है और इसकी वैल्यू, ये मिसप्रिंटिंग है, ये है, ठीक है, -1/2 मतलब 0.5 से बड़ी है और 4.5 से छोटी है, ठीक है, 0.5 से बड़ी है माइनस के। तो -0.5 से बड़ी क्या होता है, नेगेटिव के इंटीजर लेना है, इंटीजर, ठीक है। तो नंबर लाइन में 0.5 तो इंटीजर है नहीं, तो हाफ से बड़ा क्या हो जाएगा, 0, फिर 1, 2, 3, 4.5 से छोटा 4 तक, आंसर, ठीक है। 0.5 -0.5 से बड़ा हो और 4.5 से छोटा, आपको इंटीजर लेना था, आगे आंसर। सी पे आ जाओ, कह रहे हैं एक्स इज एन इंटीजर जो 4 से छोटा हो, ठीक है। सो एक्स इज एन इंटीजर जो 4 या 4 से छोटा हो। सो देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या रखोगे, माइनस के 2 का स्क्वायर करोगे और 2 का स्क्वायर करोगे, तब भी आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि x की जगह पे आपको क्या एलिमेंट रखना है कि वो ऑलवेज, मतलब x की जगह पे क्या रखना है कि मैं, और रखना क्या इंटीजर रखना है, क्या इंटीजर रखोगे कि या 4 या 4 से छोटा है। सो देखो मैंने अगर माइनस का 2 रखूँगा तब भी 4 आएगा, 2 रखूँगा तब भी 4 आएगा, 1 रखूँगा तब
तब भी फोर से कम आएगा, फोर या फोर से कम लेना है। ज़ीरो एक इंटीजर है, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, चार से कम है। माइनस वन का स्क्वायर करूँगा तो वन आएगा, ये भी चार से कम है। लेकिन कोई और इंटीजर लूँगा, थ्री ले लूँगा तो नाइन हो जाएगा, वो नहीं ले सकता। सो आंसर में क्या जाएगा, माइनस के वन, ज़ीरो, वन, टू और माइनस के टू भी। ये जो मैंने लिखा है इस ऑर्डर को आप आगे पीछे कर सकते हो, ये नहीं कि एक सिमेट्री में ही होनी चाहिए। सिमेट्री में लिखोगे तो आंसर सही माना जाता है, अच्छा लगता है। लेकिन अगर मैंने इस माइनस टू को यहाँ नहीं लिखा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा आंसर गलत है। आप एलिमेंट्स के ऑर्डर को आगे पीछे कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर सेट में, ठीक है। सो ये मेरा आंसर आ जाएगा जो कि इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। फिर क्या बोल रहा है, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, ठीक है। तो लेटर लॉयल में कौन कौन सा है वर्ड, ठीक है, उसको लिखना है। एक्स इज अ लेटर, वो चीज़ आपको लिखनी है। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप खुद कमेंट करके यहाँ पर भर दें आंसर, ठीक है। मैं देखूँगा किस बच्चे ने इसका आंसर सही लिखा है, कमेंट करो, ठीक है। जो बच्चा सही कमेंट करेगा उसको मैं हार्ट दूंगा और उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अभी तक अगर आपने कुछ भी सीखा है ना तो ये आप आराम से कर लोगे। तो देखते हैं कौन करता है पहले। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें क्या है कि एक्स इज़ अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ठीक है। सो पाँचवें में क्या करना है, ई वाले में, कि आपको उन महीनों के नाम लिखने हैं जिन महीनों में 31 दिन के वो नहीं होते। तो सिंपल है, जिस जिस महीने में 30 डेज होते हैं, मतलब 31 दिन नहीं होते, 30 डेज या 28 डेज, ठीक है, जिस महीने में 31 दिन नहीं होते उन महीनों के नाम लिखने हैं। लिख दोगे, ठीक है, फरवरी हो गया, जो भी महीने हैं आप देख लेना और उनके नाम लिख देना, तो वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते, कमेंट कर दो, पता चल जाएगा आपने सही किया है गलत किया है। अगला क्वेश्चन है, एक्स इज अ कॉन्स्टेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रिसीड्स के कॉन्सोनेंट, कॉन्स्टेंट बोल रहा हूँ मैथ की भाषा में ना, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट, एक कॉन्सोनेंट के नाम बताने इंग्लिश अल्फाबेट में जो कि के से पहले आते हैं। के से पहले आने वाले जो कॉन्सोनेंट है वो यहाँ पर लिख दोगे आप, ठीक है। के से जो पहले आते हैं प्रिसीड्स, सो वो कौन से कॉन्सोनेंट से वो आप यहाँ पर भर दोगे, सो वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। तो ये मैंने तीन क्वेश्चन, ये पार्ट आपके लिए मैंने किए नहीं, समझा दिए हैं। सो इनको कमेंट करना है आपको आंसर में, ठीक है, ताकि मेरे को पता चल पाए कि आपको कितना आ रहा है समझ में, कितना नहीं आ रहा है, ठीक है, क्या आंसर है। जो बच्चा सही करेगा उसका नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया जाएगा और उसके कमेंट को मेंशन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे मैच ईच ऑफ द सेट ऑफ द लेफ्ट इन द रोस्ट फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, रोस्ट बोल रहा, रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इस तरफ हमारा रोस्टर फॉर्म है और इस तरफ हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, तो मैच करना है कि कौन सा किसका सही है। तो मैंने कहा है चीज़ों को ऑब्जर्व करो अच्छे से, अगर आप चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। देखो तो यहाँ पर क्या है, वन टू थ्री सिक्स, ठीक है, अच्छा यहाँ मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स वाला तो ये हो जाएगा पहले का डी, इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है कि फर्स्ट का क्या होगा, डी होगा, मैथमेटिक्स का दिख रहा है, कोई डाउट नहीं है। फिर मेरे को क्या है, कह रहे हैं x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर दिख रहा है, ये नेचुरल नंबर 10 से छोटे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, b। तो फोर्थ का कितना हो गया, फोर्थ का हो गया b, ठीक है। अब और क्या बच रहा है, x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, ठीक है, x एक प्राइम नंबर है जो कि डिवीजर है 6 के, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो रहा है, ये 6 6 एक में 60 है, ठीक है, एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 60, ठीक है, ये कर लेते हैं। और ये 60 था, वहाँ पर 6 लिखा हुआ है, मिसप्रिंटिंग है। तो ये देखो, एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवीजर ऑफ अ 6, सेकेंड का क्या हो जाएगा, सेकेंड का हो जाएगा ए, क्योंकि
क्या बोला है, एक्स एक प्राइम नंबर है, टू भी प्राइम नंबर है, थ्री भी प्राइम नंबर है और सिक्स के डिविजर है। टू बी थ्री, टू थ्री ज़ा सिक्स, थ्री टू ज़ा सिक्स, डिवाइड हो रहा है प्रॉपर। ठीक है, तो ये आपका बन गया। बचा एक ही ऑप्शन, वन टू थ्री सिक्स। एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है, वन टू थ्री सिक्स। ठीक है, और ये 60 के डिविजर है, ये 60 को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, सी। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, सही मैचिंग हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। तो इस तरीके से हमने एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स को डिटेल में सॉल्व कर लिया है। इसके ज़रूरी कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताएं। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक पार्ट समझ में ज़रूर आया होगा। किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो आप कमेंट करिए, वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, वो नहीं रहेगा। ठीक है, मैंने वही बताया कि एक्सरसाइज को कराने से पहले जिन कॉन्सेप्ट को ज़रूरत, जिन कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हमें पड़ती है, मैं पहले उनको समझाऊँगा, उसके बाद एक्सरसाइज को कराऊँगा, तो ज़्यादा सही रहेगा। एक बार में इतना सारा कॉन्सेप्ट करना, फिर क्वेश्चन करना, उसमें बोरियत हो जाएगी और वो मेथड सही भी नहीं है पढ़ाने का। ये बेस्ट मेथड है, तो मैंने कहा ऐसे ही पढ़ाते हैं। ठीक है, सारा चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद मैं वन शॉट वीडियो लाऊंगा और उस वीडियोज़ में क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, साथ ही साथ पिछले सालों में उन कॉन्सेप्ट पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो भी कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को हर जगह शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और आपको कमेंट करना है कि आपको सर नेक्स्ट वीडियो किस वीडियो पर बनानी है, अब आपको कौन सी वीडियो चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।